जय हिंद साथियों। देखिए आरपीएफ के लिए हम देखेंगे आज सिलेबस कैसे तैयारी करें, कौन सी किताब पढ़ें जिससे आपका कम समय में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। जब साथियों मैं एग्ज़ाम दिया था उस समय मैंने 97 क्वेश्चन सही किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था 97 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ जाता है, 2005 नंबर बढ़ा हुआ था, लेकिन मेरा क्वेश्चन काट पीट के 97 नंबर था, मेरा सिलेक्शन हो चुका था, ठीक है, इतना जान लीजिए। इसका मतलब है कि आप जानते हैं आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में होता है 120 क्वेश्चन, 120 में कम से कम अगर आपका 100 प्लस होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत और किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वही आपके एग्जाम में फंसे, ठीक है। तो इसके लिए आप आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं सबसे पहला इसमें मेन फोकस है मैथ और रीजनिंग। 35 35 70 क्वेश्चन हुए, इनमें कम से कम आपको 60 प्लस होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरा मैथ में 35 में 35 सही था, अब बताइए कैसे हो गया। इसका एक तरीका था, इसका मेन कारण था कि मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा, उस साल का ही प्रीवियस ईयर आ रहा था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ गए थे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरपीएफ के लिए, पहली बात तो ये। सेम टू सेम क्वेश्चन लड़े थे इसलिए मेरा 35 में 35 मैथ सही था, ठीक है। रीजनिंग में भी वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के लिए। अब है जीके, जीके होता है सिंपल क्वेश्चन लेकिन होता है सब होता है, इधर से उधर इधर से इधर छोटा मोटा क्वेश्चन होता है सब होता है। तो इसके लिए देखिए आप जानते हैं जीके में 50 क्वेश्चन आता है, मैथ में 35 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आता है, होता है 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 में 100 लाना है कोई बड़ी बात भी नहीं है, खाली बढ़िया से पढ़ेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। 5000 वैकेंसी इस बार भी है, उस बार भी थी जब हम एग्जाम दिए थे तभी भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। आइए देखते हैं कि जीके में आपको कैसे 50 में कम से कम 40 42 38 लाना है, ठीक है। आप जानते हैं करेंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, करेंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर के लिए बुक कौन सी लेंगे, स्पीडी की बुक ले लीजिएगा, स्पीडी, ठीक है, ध्यान से नाम सुनिए स्पीडी। उसका जो आगे वाला पोर्शन है जो दिया रहता है शुरुआत के 10 पन्ने, उनको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन वहाँ से फंसने वाले हैं। इसके बाद है आपका पॉलिटी, मतलब कि संविधान से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है इतिहास से 3 से 4 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को फिक्स मिलेगा आपको, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके में, जैसे पहाड़ पर्वत नदी नाले जो भी हैं, ठीक है, धारा। इसके बाद है खेल, खेल से 2 से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये इनको पहले आपको कवर करना है, ठीक है। कैसे कैसे करेंगे सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जीके में आप जानते हैं इतना होता है, और जीके में 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो इन्हीं के रहेंगे, और बचे 20 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस से देखने को मिलेंगे, जिसमें से बायोलॉजी के 5 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये है आपका बायोलॉजी, मतलब कि ये साइंस का पार्ट, लगभग 20 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन आपके जीके के देखने को मिलेंगे, कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। और मैथ और रीजनिंग इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ के लिए जो बुक पढ़े हैं जहाँ से पढ़े हैं पढ़िए, वही सही है, कोई खराबी नहीं है, किताब में सेम चीज़ होता है, बस इतना है कि क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। इसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पढ़ेंगे वही क्वेश्चन सेम टू सेम उसी पैटर्न पर देखने को मिलने के पूरे पूरे हम बताते हैं 90% चांस रहेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए कौन सी बुक लें, तो प्रीवियस ईयर्स पढ़ने के लिए प्लेटफार्म, ठीक है, आरपीएफ की प्लेटफार्म की बुक ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। उसके जितने भी जीके के पार्ट हैं,
जितने भी जीके के हैं उनको आप रट जाइएगा, ठीक है। उनका जो है पीछे दिया रहता है डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में कुछ लिखा रहता है, एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसका सलूशन दिया रहता है पीछे, उसको जरूर पढ़ना है आपको। पढ़ने का मेन तरीका आपका यही है, उस किताब को चाट जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। एक किताब से बहुत सारे, मतलब कि मैथ रीजनिंग और जीके अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं बहुत बढ़िया से और उसके क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं हल्का हल्का, ठीक है, किस तरह से पूछा है, क्या पूछा है, अगर पूछा है तो उसके बारे में उसके अगल बगल के क्वेश्चन को कुछ कर लेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ से आपका 80% सिलेक्शन का मेन कहानी बन जाएगी, केवल आपको 20% एक्स्ट्रा मेहनत करना है, ठीक है। तो 20% एक्स्ट्रा मेहनत किस पर करना है उसके बारे में हम ही आपको बताएंगे। इसमें से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है वो आपको हम बताएंगे, इसके लिए हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसके टॉपिक को खोजेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में कॉमन देखने को मिला है, तो उसको आपको हम लेकर आएंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान से मन से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।